में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अफगानिस्तान का वो नक्शा हमने आपको दिखाया, फैजाबाद का वो इलाका बताया जा रहा है जो कि मेन एपिसेंटर है, मेन केंद्र है इस भूकंप के झटके का, जिसकी तीव्रता 6.8 मापी गई है। काफी देर तक के भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। तीन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से लोगों में दहशत थी उस वक्त, डर था मन में कि आखिर कुछ बड़ा ना हो जाए, और इसीलिए वो लोग सब अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, जो बड़ी बड़ी रिहायशी बिल्डिंगों में रहते हैं वो भी घरों से बाहर निकल आए। सोसाइटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मन में डर था, और ऐसे में लोग अपने अपने घरों के पार्कों में आके खड़े हो गए, कुछ सड़कों पर आकर उतर गए, और ऐसे में उनका जो डर था, उनके मन में जो चिंता थी वो साफ उनके चेहरे पर दिख रही है। और ये ऐसा वक्त होता है जब लोग अपने अपने घरों में वापस सोने जाते हैं, या फिर कोई कई लोग टीवी भी देख रहे होते हैं, और ऐसे में जब भूकंप के झटके उनके द्वारा महसूस किए गए तो सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। 6.7 तीव्रता इसकी मापी गई है। हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान का फैजाबाद जो मेन एपिसेंटर है वो बताया जा रहा है, अफगानिस्तान में इसका मेन केंद्र था। दिल्ली NCR समेत कई क्षेत्र ऐसे थे पूरे उत्तर भारत के जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। पूरे उत्तर भारत में तेज झटके महसूस किए गए, और काफी देर तक इनको वहां पर महसूस भी किया गया था, जिसके बाद लोगों के मन में जो डर था उसकी वजह से वो तुरंत अपने अपने घरों को छोड़कर नीचे आ गए। और ऐसे में हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। झूमर आप देखिए किस तरीके से हिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। इससे आप आंक सकते हैं कि आखिर इसकी जो तीव्रता रही होगी वो कितनी ज्यादा होगी। जब धरती के भीतर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं या फिर भिड़ती हैं, उसके बाद जो उनसे हीट वेव निकलती है उसी की वजह से धरती के धरातल पर किस तरीके से हम तक वो भूकंप के झटके जो है वो पहुंचते हैं, और काफी देर तक क्योंकि ये झटके महसूस किए गए। ऐसे में ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर गार्डन में आकर या फिर पार्क में आकर खड़े हो गए हैं, ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से बचा जा सके। और जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा तुर्की और सीरिया में भी भूकंप के कई झटके महसूस किए गए, उसके बाद वहां पर जो स्थितियां आ गई थी, किस तरीके से सब कुछ तबाह हो गया था, वही डर शायद इनके मन में भी था, और ऐसे में उसको लिए हुए वे नीचे अपने अपने गार्डन्स में या फिर सड़कों पर उतर आए हैं। और काफी देर तक क्योंकि ये झटके महसूस किए गए तो घर वापस लौटने के लिए भी लोग अब सोच रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब उत्तराखंड समेत चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जम्मू के श्रीनगर में भी ये झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई है। चार तस्वीरों के जरिए आप देखिए समझिए, फैन हिलता हुआ साफ नजर आ रहा है, लोग किस तरीके से अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, जो जहां पर है वो वहीं से निकलना चाहता है, किसी भी तरीके से बंद कमरे से बाहर आना चाहता है। जम्मू हिमाचल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चार तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं और आंक सकते हैं कि आखिर ये जो तीव्रता रही होगी भूकंप के झटकों की वो कितनी तेज होगी। कई दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने खुद भी इन भूकंप के झटकों को महसूस किया होगा। ऐसे में अफगानिस्तान का जो फैजाबाद है उसको मेन एपिसेंटर इस भूकंप का बताया जा रहा है। दिल्ली NCR समेत कई सारे क्षेत्र ऐसे थे उत्तर भारत के जहां पर इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है, और काफी देर तक इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया, और यही वजह थी कि लोग अपने अपने घरों को छोड़कर नीचे उतरने लगे थे उस वक्त। और अरुण ने भी हमने आपको दिखाया था नोएडा और कई क्षेत्रों का, जम्मू का भी हमने हाल आपको बताया किस तरीके से वहां पर भी लोगों ने इस भूकंप के झटकों को महसूस किया है, और ऐसे में सब लोग डरे हुए हैं, जो परिजन हैं सब, जो परिवार वाले हैं वो सब आपस में डरे हुए हैं, और ऐसे में वो सभी बिल्डिंगें छोड़कर अपने अपने फ्लैटों को छोड़कर अपने अपने घरों को छोड़कर सीधे नीचे आ गए। ये तस्वीरें आप देखिए, पांच तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से पंखा हिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। नोएडा, जम्मू, चंडीगढ़, गाजियाबाद की ये अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। पूरे उत्तर भारत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से जो सामने आई हैं, किस तरीके से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर भागना चाहते हैं किसी भी तरीके से, और खुली जगह पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी आपको लगे कि भूकंप के झटके आप महसूस कर रहे हैं तो उस वक्त आप अपने अपने घरों को छोड़कर नीचे आ जाएं, खुले जगहों पर आ जाएं, चाहे फिर वो मैदान हो या फिर सड़कों पर उतर आएं, ताकि अगर बिल्डिंग गिरती है या फिर कोई भी ऐसा भारी नुकसान होता है तो उससे बचा जा सके, उससे किसी भी तरीके से जनहानि ना हो सके। और ऐसे में जो तीव्रता इस भूकंप के झटके की मापी गई है वो रिक्टर स्केल पर 6.7 आंकी गई है। अफगानिस्तान का फैजाबाद इसका मेन एपिसेंटर है, वहीं से ये भूकंप के झटके उठे, यानी कि वहीं पर जो टकराव है टेक्टोनिक प्लेट्स का वो महसूस किया गया होगा, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिला है। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और काफी देर तक भूकंप के इन झटकों को वहां पर महसूस किया गया। तीव्रता 6.8 मापी गई है। पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू का श्रीनगर, जयपुर में भी भूकंप के झटके दिखे हैं। लोग किस तरीके से अपने घरों से नीचे उतर आए हैं वो आप देखिए।
लोग बेहद परेशान भी दिख रहे हैं भूकंप से, किस तरीके से दिल्ली हिली है और साथ साथ जम्मू में भी भूकंप के झटके महसूस आए हैं। और नवरात्र क्योंकि चलने वाला है, कटरा में इस वक्त भारी भीड़ भी है, लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए लोग अपने अपने घरों से, अपने अपने होटल रूम से बाहर आने की उनकी पूरी कोशिश थी। चंडीगढ़ में भी डरे हुए लोग नजर आए और वही हाल कुछ गाजियाबाद में भी दिखाई दिया, किस तरीके से वहां पर भी दहशत देखने को मिली। वो भी आप तस्वीरें देखिए जिसकी तीव्रता 6.7 थी और आप आंक सकते हैं इसके बाद किस तरीके से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए होंगे। जो फैजाबाद है अफगानिस्तान का, वो मेन एपिसेंटर है और दिल्ली एनसीआर तक भी ये तेज झटके महसूस किए गए। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जो भूकंप की तीव्रता थी वो 6.7 थी। देखिए शिवानी, मैं सिविटेक संप्रति सेक्टर 77 में रहता हूँ। मेरे पड़ोसी जो हैं, मैं अपने घर में अंदर था, उनके बच्चों की रोने की बजाय मैं बाहर आया, उन्होंने कहा भूकंप में बहुत तेज झटके लग रहे हैं, मुझे भी झटके महसूस हुए। हस्बैंड वाइफ हमारे साथ हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं, मेरे पड़ोसी हैं। ये खुद आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या महसूस करा। इनके बच्चे काफी रो रहे थे, काफी ज्यादा परेशान रही है। भाई साहब बताइए आप। जैसे मैं अभी मेरी फैमिली के साथ 17th फ्लोर पे रहता हूँ सिविटेक संप्रति में, तो जैसे लग रहा था कि आज कयामत की रात है। वैसे पैर के नीचे से पूरी जमीन खिसक रही है और पूरा बेड जो हिल रहा है और पूरे फैन और लाइट और इवन जो सब चीजें जो है हिलती नजर आ रही है और पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। और आसपास से चिल्लम चिल्ली की आवाज जो है वो इतनी तेज गति से बढ़ रही थी, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। उसको हम बाहर लेकर जाने वाले थे पर वो बोले नहीं, घर पे ही रहना है, घर पे ही रहना है। रोने लगा बहुत ज्यादा, मतलब लिफ्ट का तो यूज नहीं कर सकते, सीढ़ी से जा सकते हैं। तो काफी सारा देखा हमने कि नीचे भी काफी सारे लोग जो है उसका जमावड़ा यहाँ पे हो गया है, तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। 17th फ्लोर पे रह रहे तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे सीनियर सिटीजन भी आपके साथ थे। हाँ, वो तो सो रहे थे, उनको तो पता भी नहीं था। फिर हमने बोला कि चलो आओ चलो। आपने कैसे महसूस किया, क्या हुआ घर के अंदर, आप ये बताइए। जैसे पूरा मैं जैसा जमीन पे लेटा हुआ था तो पूरी जमीन जो है हिलने लगी पूरे जोर से और बेड हिलने लगा और पूरा समझ में नहीं आया कि जमीन पूरी हिल रही है पूरी। और ऊपर देखा तो छत भी हिल रही थी और पूरा फैन और सब 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 चीजें हिलने लगा। हाँ, फैन भी हिलने लगा, झूमर भी हिलने लगा, सब कुछ हिलने लगा, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। जी नीरज, यानी कि साफ लोग किस तरीके से यहाँ पर आनंद डरते हुए नजर आ रहे हैं वो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लोगों को। लेकिन जो इस वक्त अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, आपको बता दें इससे पहले तीव्रता जो बताई जा रही थी वो 7.8 बताई जा रही थी, लेकिन ये तीव्रता 6.6 की है जो आंकी गई है। और अफगानिस्तान का फैजाबाद जो है वो इसका मेन एपिसेंटर है। तो किस तरीके से आनंद वहां पर लोगों ने जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए, क्या अब कुछ शांति वहां पर है, लोग क्या अपने घरों पर अब वापस आ गए हैं? जी देखिए शिवानी, बिल्कुल, मैं जहाँ पर रहता हूँ सिविटेक संप्रति, हम 16 फ्लोर पर रहते हैं, यहाँ पर और भी फैमिली जो है वो बाहर आ गई थी, पैनिक हो गए जैसे ही ये हल्ला मचा और उसके बच्चे रोना शुरू करे। और ये फैमिली काफी ज्यादा ट्रबल थी, काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरे पड़ोसी है, मैं भी अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था जब उसके बाद मैं बाहर आया था, पता चला कि भूकंप में झटके आए हुए हैं काफी, तो ये काफी ज्यादा परेशान थी फैमिली। फिर हमने इनसे बोला कि अभी झटके खत्म हो गए, आप रिलैक्स, तो आप इनसे एक बार फिर से बात कर सकती हैं। जी, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों को भी आप सुन रहे हैं किस तरीके से वो डर गए थे उस वक्त जब उनके घरों में जो चीजें हैं वो हिलने लगी थी, झूमर हिलने लगा था, जो लाइट लगी थी सीलिंग में वो हिलने लगी थी, सीलिंग फैन हिलने लगा था। और ऐसे में उनको समझ में आ गया था कि भूकंप लगातार आ रहा है और तभी दहशत फैलने लगी और लोग अपने अपने घरों से नीचे आने लगे क्योंकि डर उनके चेहरे पर साफ उस वक्त दिखाई दिया। तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, पूरे उत्तर भारत में ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ तक कि स्टूडियो में जब हम बैठे थे, जब आप तक खबरें पहुंचा रहे थे, तो हमने भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए क्योंकि पूरे उत्तर भारत का वो इलाका है जिसमें दिल्ली एनसीआर भी शामिल है और ऐसे में पंजाब, उत्तराखंड, इसके साथ साथ चंडीगढ़ में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जम्मू में, श्रीनगर में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अफगानिस्तान का जो फैजाबाद है वो इसका मेन एपिसेंटर है, यानी कि वहीं से इस भूकंप की शुरुआत हुई जिसका असर यहाँ